गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्पेशल एग्जाम 2016 का पी एच पी एंड MySQL पेपर का ऑब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पी एच पी में MySQL डेटाबेस को उपयोग में लाने के लिए आप उपयोग में लेंगे पी एच पी में एक इनबिल्ड फंक्शन होता है MySQL अंडर स्कोर कनेक्ट जो डेटाबेस से कनेक्शन के काम में आता है बी ऑप्शन करेक्ट है PHP से क्या तात्पर्य है PHP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर में किसी चर का नाम प्रारंभ होता है तो PHP में कोई वेरिएबल है उसका नाम चालू होता है डॉलर साइन से PHP में वेरिएबल बनाने का वेरिएबल का नाम लिखने का तरीका है उसमें या तो कैरेक्टर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से डिजिट नहीं आएगा शुरू में डी ऑप्शन मैं डिजिट आ रहा है स्टार्टिंग में ये रहूँगे तो डी ऑप्शन हो गया दो एरे में अंतर दोनों में डिफरेंस बताना होता है तो इनबिल्ट फंक्शन है पीएचपी में एरे अंडर स्कोर सिक्स्थ सिक्स क्वेश्चन अगर एस फाइल के अंदर पीएचपी का कोड लिखना है तो उसका तरीका है लेस देन क्यूशन मार्क पीएचपी पीएचपी पी का कोड आएगा एंड लास्ट में क्यूसन मार्क ग्रेटर देन का साइन ए ऑप्शन इज़ करेक्ट सेवन्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न वन वेन आउटपुट तो प्रिंट और इको दोनों ही प्रिंट करने लिए काम में लेते हैं पी में इको कुछ भी रिटर्न नहीं करता है प्रिंट वन रिटर्न करता है टाइप के अंदर टाइप स्पेसिफाइड कौन कौन से होते हैं परसेंटेज ए भी होता है परसेंटेज सी होता है परसेंटेज डी होता है परसेंटेज बी नहीं होता ऑप्शन बी इज करेक्ट पी में स्ट्रिंग डेटा है स्ट्रिंग डेटा पी के अंदर सिंगल कोर्ट्स के बीच में भी लिख सकते हैं डबल कोर्ट्स के बीच में भी लिख सकते हैं और स्टार्टिंग में लेस देन लेस देन लेस देन तीन बार लेस देन का साइन आएगा उसके बाद में स्ट्रिंग लिखेंगे लास्ट में कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है टेंथ क्वेश्चन पीएचपी में परसेंटेज का जो साइन है वो किस लिए काम में लेते हैं तो ये लेते हैं मॉडुलस के लिए काम में एलेवंथ क्वेश्चन है कि डोट ऑपरेटर पीएचपी में किस लिए काम में लेते हैं तो डोट ऑपरेटर दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केट करता है कॉन्केटनेसन के लिए काम में लेते हैं बी ऑप्शन करेक्ट पी की पी स्क्रिप्ट है वो सर्वर पर रन होती है हमेशा ये याद रखना है अपने को कि पी स्क्रिप्ट है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और जावा स्क्रिप्ट और एच वो क्लाइंट मशीन पर ब्राउजर पर रन होती है पी के अंदर एक इनबिल्ट फंक्सन है इन्फो इन्फो फंक्सन है वो पी का इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फिग्रेशन को दिखाता है एक इनबिल्ट फंक्शन होता है पी में सब एच सब एस टी आर के अंदर पहला जो पैरामीटर पास करते हैं वो स्ट्रिंग होती है दूसरा होता है कि स्टार्टिंग का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट करना है अगर पॉजिटिव में है तो शुरू से चलेंगे अगर निगेटिव में है तो स्ट्रिंग के लास्ट चलेंगे और फिर उसके बाद में लास्ट का पैरामीटर है वो है कितनी लंबी स्ट्रिंग लेनी है माइनस फोर है तो लास्ट से चलो तो एफ ई डी सी सी पर गए और वन का लेना है वन लेंथ का तो सी ऑप्शन हो गया तो लास्ट से माइनस में आया तो वन टू थ्री लास्ट से चलेंगे और अगर पॉजिटिव में रहता है तो शुरू से जीरो वन टू ऐसे चलेंगे पीएचपी के अंदर कौन सा ऐसा स्पेशल मेथड है जो रन होगा जब कोई इंस्टेंस बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस बनता है तो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है पी पी का जो कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है चाइल्ड क्लासेज किसी भी बेस क्लास की चाइल्ड क्लास बनाते हैं तो एक्सटेंड्स कीवर्ड का हमें लेते हैं ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज नॉट प्री डिफाइंड तो पीएचपी तो के अंदर डॉलर गेट डॉलर पोस्ट और डॉलर रिक्वेस्ट ये प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं जो डेटा को एक पेज से दूसरे पेज पर ट्रांसफ़र करते हैं डॉलर ए एस के ऐसा कोई प्री डिफाइंड वेरिएबल पीएचपी में नहीं है नाइनटीन नंबर क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग तो एक स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है या स्ट्रिंग की लेंथ क्या है इसके लिए पी में इनबिल्ट फंक्शन होता है एस टी आर एलियन डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पी में किसी कैरेक्टर का आस की मान प्राप्त करना है तो आस की वैल्यू प्राप्त करने के लिए अपन एक इनबिल्ट फंक्शन कहाँ पर लेते हैं ओ आर डी ऑप्शन सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सेंड्स इनपुट टू अ स्क्रिप्ट वाया ए यू आर एल तो एक पेज से दूसरे पेज पर इंफॉर्मेशन सेंड करने के दो मेथड है गेट एंड पोस्ट गेट पोस्ट है वो यू आर एल के साथ में इंफॉर्मेशन सेंड करता है जबकि पोस्ट है वो हाइड करके भेजता है वो यू आर एल में नहीं दिखेगी सेट कुकीज़ फंक्सन है वो किस लिए काम आता है तो सेट कूकीज़ फंक्शन है वो सारे काम करता है इनेबल करता है डिसबल करता है कुकीज़ को डिक्लेयर करता है कुकीज़ वेरिएबल को और डेटा को स्टोर करता है कुकीज़ वेरिएबल में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री टू वर्क विथ रिमोट फाइल्स इन पी एच पी यू नीड टू इनेबल तो पी एच पी में रिमोट फाइल्स को इनेबल करने के लिए एक इनबिल्ट फंक्शन होता है अलाउ अंडर स्कोर यू आर एफ अंडर स्कोर एफ ओपन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर माई एस क्यू अंडर स्कोर कनेक्ट डज नॉट फॉलोइंग पैरामीटर कौन सा इनमें से जो पैरामीटर है वो नहीं लेता है तो माई एस क्यूल अंडर स्कोर कनेक्ट है वो इनबिल्ट फंक्शन है पी एच पी का तीन पैरामीटर्स लेता है पहला होता है डेटाबेस होस्ट सेकंड होता है यूजर आईडी थर्ड होता है पासवर्ड डेटाबेस का नेम है वो इसमें पास अपन नहीं कर सकते सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन निम्न का अध्ययन कर सही इनको न लिखिए तो माई एस क्यू अंडर स्कोर कनेक्ट तो अपन देख लिया इसके बाद में जब डेटाबेस कनेक्शन होता है तो पहली स्टेप होती है वो एस क्यू एल माई एस क्यू एल सर्वर है उसका कनेक्शन ओपन करते हैं फिर डेटाबेस का चयन करते हैं उसके बाद में एस क्यू एल क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं फिर क्यूरी से डेटा लेते हैं और फिर कनेक्शन बंद करते हैं तो ये सीरीज रहती है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन मेन में से कौन सा सेशन फंक्शन नहीं है तो सेशन फंक्शन होते हैं सेशन अंडरस्कोर डिकोड होता है सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय होता है सेशन अंडरस्कोर आईडी सेशन अंडरस्कोर पीडब्ल्यू ऐसा कोई फंक्शन इसमें सेशंस के लिए नहीं होता है सो तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन में से कौन सा टिप्पणी करना ठीक है तो पी में पैरा ये कमेंट्स कैसे लिखते हैं तो ये दो तरीके हैं जैसे सी सी प्लस प्लस में लिखते हैं डबल स्लैश वाला ये सिंगल लाइन कमेंट और सेल सिंटेक्स में लेते हैं हेस तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही है तो सी ऑप्शन हो गया बहुत तो ऑफ दोनों पी का फादर कौन है पी पी का फादर है रेसमस लेडोर्फ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन कौन में से निम्न में से कौन सा लूप संरचना पी में उपलब्ध है तो पी, पी के अंदर फोर लूप है वाइल लूप है डू वाई लूप है फोर ईच है चारों तरह के लूप इसमें होते हैं तो ऑप्शन सी है ऑल ऑफ दी मैन उपरोक्त सभी क्वेश्चन नंबर थर्टी एक इनबिल्ट फंक्शन होता है पी में एस टी तो एस टी क्या काम में आता है इसमें कोई वेरिएबल पास करेंगे उसको ये क्या करेगा स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट एक्सेप्ट अ वैल्यू एंड कन्वर्ट कन्वर्ट इट टू इनटू टू स्ट्रिंग वैल्यू प्राप्त कर उसे स्ट्रिंग तुल्य में परिवर्तित कर देता है तो ये था पी के पेपर का फर्स्ट जो तीस क्वेश्चन का पार्ट आएगा तीस नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप का ये पैटर्न रहेगा सभी पेपर्स के अंदर तो इनकी अच्छी से तैयारी कर ले अभी आगे वा आने वाले वीडियोस में हम दूसरे सब्जेक्ट्स के पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे थैंक यू